हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं कंपाउंडिंग करने वाला हूँ लगभग $6 से। तो आज मैं $6 को जो एक बहुत ही तगड़े लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मुझे जहाँ जहाँ ट्रेड मिलेगा, मैं कहाँ कहाँ प्लेस करूँगा, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, मुझे यहाँ पे जो है मेरा पहला ट्रेड मिल चुका है डाउनर्स के लिए। तो वेट करते इसको क्लोज होने का। क्लोज होने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों मैंने जो है यहाँ से एक डाउनर्स के ट्रेड को प्लेस किया है। ओके, वेट करता है। ओके, आप लोग देख सकते हो ये ट्रेड जो है बहुत ही अच्छा खासा जो है विन हो चुका है। तो अब ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों मैंने जो है यहाँ से डाउन ट्रेड को प्लेस किया। पहले आप इस लेवल को देख सकते हो, ठीक है। हाँ, मार्केट ने जो है यहाँ तक अच्छा खासा जो है सेलर्स ने बता दिया कि इस लेवल से जो है सेलर्स एक्टिव है। तो मुझे पता चल गया था कि अभी सेलर्स का नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ तक जाने वाले हैं। तो क्योंकि यार अभी इतना गैप अच्छा था, मुझे पता चल गया था कि सेलर जो है यहाँ तक आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है डाउन ट्रेड को प्लेस कर दिया। देख सकते हो विन हो चुका है, ठीक है। अभी जो है सेलर्स यहाँ तक आ चुके हैं। अभी यहाँ पे भी थोड़ा गैप बचा है, देख सकते हो ये फिल कर रहा है, ठीक है। अभी और देखते हैं और कहाँ कहाँ मुझे जो ट्रेड्स मिलता है। यहाँ से मुझे डाउन के लिए ट्रेड मिल रहा है तो मैंने प्लेस कर दिया है। हाँ, वेट करते इसको क्लोज होने का। यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल है। आप लोग जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वर्क किया है और यहाँ पे भी वर्क किया है, देख सकते हो। लास्ट बार में जो है सेलर्स यहाँ से एक अच्छा खासा एक्टिव सेलर्स आ चुके थे, तो मैंने उसी को देखते हुए यहाँ पे एक डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस कर दिया है। वेट करते इसको क्लोज होने का। आप लोग देख सकते हो ये ट्रेड भी मैंने विन कर लिया। जैसे कि मैंने एनालिस्ट से बताया था कि यहाँ से जो सेलर्स एक्टिव है, तो देख सकते हो विन हो चुका है, ठीक है। अभी मेरा अपडेटेड बैलेंस बन चुका है $20 का। अभी और देखते हो और काफ़ी मुझे जो ट्रेड्स मिलता है। यहाँ से जो है मैंने फर्स्ट ट्रेड को प्लेस कर दिया है। वेट करते इसको क्लोज होने का। ओके, सो आप लोग देख सकते हो ये ट्रेड भी जो मैंने विन कर लिया है। तो अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों मैंने यहाँ से जो है फर्स्ट लेटर को प्लेस कर दिया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक शॉर्ट एस एन आर बन रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो है इस लेवल पे लाइक बायर्स जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी ये देख सकते हो लाइक बायर्स जो है इस लेवल पे बहुत ही एक्टिव है। तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेटर को प्लेस कर दिया था। देख सकते हो विन हो चुका है, ठीक है। अभी मेरा अपडेटेड बैलेंस बन चुका है $36 का। ऐसे भी और देखते हैं और क्या क्या मुझे जो ट्रेड्स मिलता है। ओके, यहाँ से जो मैंने डाउन ट्रेड को प्लेस कर दिया है, वे करते इसको क्लोज होने का। यहाँ पे सिंपल सा देख सकते हो रेड ग्रीन बन रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो वेट करता है। आप लोग देख सकते हो विन हो चुका है, ठीक है। अभी मेरा अपडेटेड बैलेंस बन चुका है का है $68 का है। अभी और देखते हैं और कहाँ कहाँ मुझे जो ट्रेड्स मिलता है। ओके, यहाँ से मुझे ऑफिशियली ट्रेड मिल रहा है तो मैंने प्लेस कर दिया है। वे कहते इसको क्लोज होने का। ओके, आप लोग देख सकते हो ये ट्रेड भी जो है मेरा वेयर हो चुका है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं, यहाँ पे बस ग्रीन रेड बन रहा था। उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड को प्लेस कर दिया था। देख सकते हो विन हो चुका है, ठीक है। अभी और देखते हैं और क्या क्या मुझे जो ट्रेड मिलता है।
ओके यहाँ से मुझे ऑफिस लेटर मिल रहा था तो मैंने प्लेस कर दिया है। वेट करते इसको क्लोज होने का। ओके सो आप लोग देख सकते हो ये ट्रिप जो हमने विन कर लिया। यहाँ पे बस सिंपल सा एक वी पैटर्न बन रहा था, अभी इतना सारा जो गैप बचा था तो मैंने उसी को देखते हैं यहाँ पे एक फर्स्ट लेटर को प्रेस कर दिया। देख सकते हो विन हो चुका है। अभी ये मेरा डेटा बैलेंस बन चुका है $230 का। ऐसे अभी और देखते हैं और कहाँ का मुझे जो ट्रेस करता है। ओके मैंने यहाँ से जो एक फैसिलिटी को प्लेस कर दिया है वे करते इसको क्लोज होने का। ओके देख सकते हो विन हो चुका है। देख सकते हो गैप अप ओपन हो या जब आपका एरर सही होता है तो देख सकते हो गैप अप ओपन होकर भी आपके ट्रेड फिन हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ टा नहीं देख सकते। यहाँ पे एक सिंपल सा लेवल था, मुझे पता चल रहा था कि मार्केट जो है यहाँ पे दोबारा रिटेस्ट करने आ रहा है तो मैंने देखा कि अभी इतना जो है गैप बचा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है कफर को प्लेस कर दिया था। देख सकते हो विन हो चुका है। अभी मेरा अपडेट है बैलेंस बन चुका है $439 का। अभी और देखते हैं और कहाँ का मुझे जो ट्रेड्स मिलता है। ओके सो यहाँ से मैंने फर्स्ट लेटर को प्लेस कर दिया है। वे करते हैं इसको क्लोज होने का। ओके मैंने यहाँ से फर्स्ट लेटर को प्लेस किया था। देख सकते हैं यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है। अभी थोड़ा सा गैप बच रहा था बट मैंने ये नोटिस नहीं किया कि ये जो है ना लाइक यहाँ पे इस कैंडल पे बायर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। वो अच्छा हुआ कि मैंने जो है मार्जिनल सेफ्टी के साथ फर्स्ट लेटर को प्लेस कर दिया था इसलिए ये मेरा ट्रेड जो है विन हो चुका है, ठीक है। अभी और देखते हैं और कहाँ कहाँ मुझे जो ट्रेड्स मिलता है। ओके यहाँ से जो है मैंने डाउन लेटर को प्लेस कर दिया है। वीक है इसको क्लोज होने का। देखा जब मार्केट पहले से यहाँ पे जो है डाउन ट्रेंड है और ग्रीन रेड पैटर्न बन रहा है तो दो दो कंफर्मेशन मिल चुके हैं कि यहाँ पे रेड बनेगा ही बनेगा। देख सकते हो बहुत ही लाइक ज़्यादा ही डाउनफॉल है, ठीक है। तो वेट करते हैं इसको क्लोज होने का। ऐसा आप लोग देख सकते हो ये ट्रेड जो है हमने विन कर लिया है, ठीक है। अभी मेरा अपडेटेड बैलेंस बन चुका है $1500 के। अभी और देखते हैं और कहाँ कहाँ मुझे जो ट्रेड्स मिलता है। ओके यहाँ से एक फर्स्ट लीटर मिल रहा था तो मैंने प्लेस कर दिया है $1500 के साथ। तो वेट करते हैं इसको क्लोज होने का। आप लोग देख सकते हो ये ट्रेड जो है मेरा विन हो चुका है। यहाँ पे लेने का भी सिंपल रीज़न था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लाइक गैप डाउन ओपन हुआ था तो मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे जो थोड़ा सा गैप फिल करेगा मार्केट फिर जाके जो एक रेड कैंडल बनेगा। तो मुझे पता चल रहा था या कि यहाँ पे जो एक गैप फिल करेगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को प्लेस किया था। देख सकते हो विन हो चुका है, ठीक है। अभी मेरा अपडेटेड बैलेंस बन चुका है $2700 का। अभी और दिखते हैं और कहाँ कहाँ मुझे जो ट्रेड्स मिलता है। ओके यहाँ से जो मैंने डाउन लेटर को प्लेस कर दिया है $2700 के साथ तो वेट करते इसको क्लोज होने का।
आप लोग देख सकते हो ये ट्रेन मेरा विन हो चुका है। अभी आपको बता देता हूँ कि क्यों मैंने जो है यहाँ पे डाउन लेटर को प्रेस किया था। ये देख लो ये कितना अच्छा खासा है, मेरा लाइक प्यारा सा लेवल है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वर्क किया है और यहाँ पे भी वर्क किया है और यहाँ पे भी करना चाहिए था, बट लेकिन देख सकते हो ओटीसी मार्केट है, यहाँ पे एक एरर कैंडल बन चुका था। मुझे पता चल गया था कि यहाँ से जो एक डाउनर्स ले आएगा मार्केट, देख सकते हो ले लिया था मैंने, विन हो चुका है। अभी मेरा अपडेटेड बैलेंस बन चुका है 4,900 डॉलर का इस। अभी और देखते हैं और कहाँ का मुझे जो ट्रेस मिलता है। ओके सर दो यहाँ से जो है मैंने अपर स्लेटरी को प्लेस कर दिया है, वेट करते हैं इसको क्लोज होने का। ओके सो आप लोग देख सकते हो ये ट्रेड जो है हमने विन कर लिया है यहाँ पे। ओके यहाँ पे सिंपल सा देख सकते हो मार्केट जो है यहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा जो है गैप बचा था तो मार्केट जो है अभी इस गैप को फिल करने ही वाला था, तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे अपर स्लेटरी को प्लेस कर दिया था। देख सकते हो विन हो चुका है। ठीक है अभी मेरा अपडेटेड बैलेंस बन चुका है 8,800 डॉलर्स का। अभी और देखते हैं और कहाँ का मुझे जो ट्रेड्स मिलता है। ओके सो यहाँ से जो मैंने दो डाउनलोड स्लेटरी को प्लेस कर दिया है, वे कहते हैं इनको क्लोज होने का। 8,000 डॉलर के साथ मैंने यहाँ पे जो है लाइक डाउनलोड स्लेटरी को प्लेस कर दिया है, थोड़ा सा रिस्की है, स्टिल वेट करते हैं इसको क्लोज होने का। ओके सो आप लोग देख सकते हो ये ट्रिप जो है हमने विन कर लिया है। ठीक है अभी मेरा अपडेटेड बैलेंस बन चुका है 15,000 डॉलर्स का, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। मैं इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सा एक प्यारा सा लेवल है, वेट करते हैं इनको क्लोज होने का। हाँ ठीक है अभी अपडेट हो जाएगा। ओके ओके आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक सिंपल सा लेवल है। ठीक है मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर से यहाँ पे जो है रिटेस्ट कर रहा है अभी, तो उसी को देखते हैं। मैंने जो है यहाँ पे एक डाउन स्लेटरी को प्रेस कर दिया था, देख सकते हो विन हो चुका है। अभी 15,000 बन चुका है जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, तब तक के लिए अपना क्या